हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कबीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडवांस लाइफ। इस वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक है वो है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से जो डिक्लाइन होता है उसी के बारे में थोड़ा आज चर्चा करेंगे। तो डिक्लाइन होने का कारण है जो कोई का बैंक का सर्वर डाउन रहता है और उसी बैंक का हम ट्रांजेक्शन करने जाते हैं और डिक्लाइन हो जाता है। मतलब कोई कस्टमर अगर आता है, समझ लो स्टेट बैंक के बारे में बोल रहे हैं, स्टेट बैंक का कोई कस्टमर आता है पैसा निकालने के लिए, तो हम उसका पैसा जब निकालते हैं तो सर्वर डाउन रहने के कारण उनका खाते से पैसा कट जाता है लेकिन हमारे वॉलेट में पैसा ऐड होता नहीं है, मतलब आता नहीं है। या फिर कोई डिपॉजिट करने आता है, हम उनका पैसा डिपॉजिट करते हैं, हमारे वॉलेट से पैसा कट जाता है लेकिन उनके खाते में पहुँचता नहीं है। अभी तक बहुत कंपनी है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम चलाते हैं, उसमें कई कई कंपनी का ज़्यादा डिक्लाइन होता है, कई कई कंपनी का कम होता है, लेकिन डिक्लाइन होता है। आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम में डिक्लाइन होगा, ये सच बात है, कोई भी कंपनी का हो ज़रूर होगा। तो इसका समाधान है जो कंप्लेन करना है। कई कई कंपनी का कंप्लेन उसी ट्रांजेक्शन के ऊपर ही लिखा हुआ रहता है कंप्लेन वाला, या फिर किसी किसी कंपनी को मेल करना पड़ता है, किसी किसी कंपनी को कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ता है, अपना अपना तरीका है। तो हम लोग रिटेलर हैं, हमको चलाने में दिक्कत आता है, किसी का पैसा कट जाता है, हम तो सिर्फ कुछ पैसे के लिए काम कर रहे हैं लेकिन पैसा जब कट जाता है हमें दिक्कत आता है, हमें परेशानी आती है, कब तक आएगा पैसा। लेकिन पैसा रिफंड होता है भाई, पैसा एक भी पैसा नहीं जाता है, पैसा रिफंड होता है। उसके लिए कुछ प्रोसेस है, वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम जो टाइम है वो आपका 72 घंटा लगेगा ही कोई डिक्लाइन होता है रिफंड आने में। उसे अगर ज़्यादा होता है तो आपको थोड़ा और कठिन तरीके से उसको कंप्लेन करना है, लेकिन आता है पैसा। तो आपको हम हमारे पास एक ऐप से, रिटेलर ऐप से, उसके माध्यम से आपको थोड़ा हम बताते हैं डिक्लाइन हुआ पैसा कैसे आएगा। ये जैसे कि आपका हम आपको सिंपली हम पेन ईयर बाई के माध्यम से ही बोलना चाहते हैं। कोई अगर ट्रांजेक्शन अगर डिक्लाइन हो जाता है तो डिक्लाइन होने के बाद आपको जाना कहाँ है, आप ऊपर में देखिए बाएं तरफ तीन लकीर खींचा हुआ है, उसको क्लिक करने के बाद जो CRM का ऑप्शन है उसमें जाना है, CRM का जो ऑप्शन है उसमें जाना है, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दाएं तरफ नीचे में एक प्लस का आइकॉन है, उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद न्यू कंप्लेंट का एक ऑप्शन आएगा, ऊपर में जो लिखा हुआ है सिलेक्ट प्रोडक्ट, मतलब आपका जो डिक्लाइन हुआ है वो किसके कारण हुआ है, किस सिस्टम में हुआ है। ज़्यादातर डिक्लाइन मतलब तो AEPS के माध्यम से ही होता है, तो आपको सिलेक्ट करना है AEPS। सिलेक्ट करने के बाद का ये ऑप्शन आएगा, और ज़्यादातर डिक्लाइन डिपॉजिट विड्रॉल के माध्यम से होता है। तो समझ लो हमारा कोई विड्रॉल अगर डिक्लाइन हुआ है तो हमें नीचे वाला जो है विड्रॉल उसमें क्लिक करना है। उसके बाद और भी कई ऑप्शन आएगा, जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन का मतलब जब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है कस्टमर अकाउंट डेबिट बट नॉट क्रेडिट रिसीव। कस्टमर का अकाउंट से तो पैसा कट गया है लेकिन हमारे वॉलेट में रिसीव नहीं हुआ है, आया नहीं है, तो उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपका ट्रांजेक्शन रहेगा उसके ऊपर में आईडी देकर एक कुछ नंबर रहेगा जो ट्रांजेक्शन आईडी है, ये ऑप्शन लिखा है ट्रांजेक्शन आईडी, इसमें ट्रांजेक्शन वो आईडी को लिखना है जो आपका आईडी रहेगा। उसके बाद सॉरी APS विड्रॉल कस्टमर अकाउंट, ओके, ट्रांजेक्शन आईडी लिखने के बाद इसमें लिखना है आपको कोई भी माने किस कारण हुआ है वो आपको इसमें लिखना है, डिक्लाइन हुआ है क्या दिखाया है डिक्लाइन में उसमें आपको लिखना लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आपका अपलोड पिक्चर माने जो भी आपका डिक्लाइन हुआ है उसका स्क्रीनशॉट अगर रहेगा तो वो पिक्चर इसमें स्कैन करके डालना है, डालने के बाद सबमिट कंप्लीट में क्लिक करके सबमिट कर देना है, वो कंप्लेन पहुँच जाएगा। पहुँच जाने के बाद आपको इसमें एक ओपन ऑप्शन का आएगा, साथ में कंप्लेन नंबर लिखा रहेगा, आपको 72 घंटा वेट करना है, उसके अंदर आएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आपको कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के बाद बोलना पड़ेगा कि सर मेरा कंप्लेन नंबर ये है, अभी तक पैसा आया नहीं है, तो आपको रास्ता वो दिखा देगा। तो यही प्रोसेस है कंप्लेन करने का, पैसा आ जाता है ज़्यादातर।
ऐसा होता है कई पैसा फंस भी जाता है जो 3 दिन के बाद भी नहीं आता है। ऐसा बहुत कंपनी है जो 3 दिन के बाद पैसा नहीं आता है, तो उसके लिए दूसरा प्रोसेस है वो कंप्लेन करने के लिए। वो प्रोसेस है जो कस्टमर का जो पासबुक है उसे आपको उसी जिस दिन आप कंप्लेन करेंगे उसी दिन कुछ ट्रांजेक्शन करना है, एक या दो ट्रांजेक्शन करना है 100 रुपया का। उसके बाद पासबुक को अपडेट करना है बैंक में जाकर, और उसका जो पिक्चर होता है उसको स्कैन कर कर जो अपलोड इमेज है उसमें डालना है, वो मतलब क्लियरली क्लियर होना चाहिए। तो पैसा जो ज़्यादा टाइम के लिए फंसा हुआ है वो भी पैसा आ जाता है। तो बस यही थी, क्योंकि हमारे पास बहुत कॉल आता था इसके बारे में, तो सर हमारा डिक्लाइन हो गया है सर, हम इसको कैसे कंप्लेन करें। तो शायद इस वीडियो से अगर किसी का सहायता हो तो इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया। अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हम पेनियर बाई से जुड़े हुए हैं। कोई भी अगर पेनियर बाई का डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलरशिप लेना चाहते हो तो हमारे मोबाइल नंबर दिया हुआ है हमारे चैनल पर, या फिर ईमेल आईडी, मेल भी कर सकते हो या फिर फ़ोन कॉल भी कर सकते हो, जल्द से जल्द मिल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।